नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित गर्ग है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करते जा रहा हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट के सेट ऑफ के रूल्स जो चेंज हो गए हैं फरवरी से, फरवरी 2019 से। जनवरी 2019 तक जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी के सेट ऑफ का रूल था वो आपके सामने स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है और मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ बता दूंगा अभी। और जो जनवरी 2019 के बाद मींस 1 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल हो गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेटअप करने का रूल जीएसटी में, वो ये हो गया है विद एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप जीएसटी से रिलेटेड वीडियो की कोई भी जानकारी चाहते हैं फ्यूचर में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप अपने आप को जीएसटी से अपडेट रख सकेंगे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। चलो डिस्कस कर लेते हैं। जो जनवरी तक रूल था जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेट ऑफ करने का रूल, अगर हमारा आईजीएसटी पेबल आ रहा है कोई भी, फर्स्ट उस आईजीएसटी का इनपुट पर है हमारे पास, तो उसको फर्स्ट हम आईजीएसटी के ही आउटपुट से सेट ऑफ करेंगे, लाइक एग्जाम्पल में देख लेंगे वो चीज़। और उसके बाद इनपुट आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैं आईटीसी से बुलाऊंगा, आईटीसी अगर कोई आईजीएसटी का पड़ा हुआ है तो हम उसको आईजीएसटी की पेमेंट के बाद सीजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं और एसजीएसटी से, जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया है। जैसे अगर हमें सीजीएसटी का इनपुट हमारे पास है, सीजीएसटी का इनपुट हमारे पास है, तो फर्स्टली हमें उसको सीजीएसटी के ही आउटपुट से सेट ऑफ करना होता था जनवरी 2019 तक। और उसके बाद अगर हमारा सीजीएसटी का इनपुट बच जाता है कोई, तो उसको हम आईजीएसटी की पेमेंट से सेट ऑफ कर सकते थे। सेम एसजीएसटी में है, अगर एसजीएसटी का इनपुट था तो हम उसको पहले एसजीएसटी के ही आउटपुट से सेट ऑफ कर सकते थे। उसके बाद अगर कुछ एसजीएसटी में इसमें आईटीसी बच जाता था तो उसको आईजीएसटी के आउटपुट से हम सेट ऑफ कर सकते थे। उसमें क्या था पहले जनवरी 2019 तक, इसमें ये था कि अगर हमारी आईजीएसटी का इनपुट हमारे पास 100 रुपये है और हमारा आउटपुट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अदर देन स्टेट हमारी सेल ही नहीं हुई है, सारी सेल हमारी सेम स्टेट में है, तो हमारा आईजीएसटी का आउटपुट आया ही नहीं। तो हमने सेल की है जो वो सेम स्टेट में की है, तो सीजीएसटी की लाइबिलिटी हमारी 150 की है और सेम एसजीएसटी की लाइबिलिटी हमारी 150 की है और हमारे पास इनका 100 रुपीज का आईटीसी पड़ा हुआ है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आईटीसी क्या होता है, तो आप इधर आई वाले बटन पर क्लिक कर मैंने इसमें वीडियो अटैच कर दी है, तो आप इधर जाके देख सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आते हैं हमारे पॉइंट पर, अगर हमारी 150 रुपये की लाइबिलिटी है 150 की और हमारे पास 100 रुपीज का आईटीसी बचा हुआ है, इसमें ये रूल है कि हम इन दोनों को आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे कि ये आईटीसी 100 रुपीज का है, ये यहाँ पे सेट ऑफ नहीं हो सकता, ये वाला आईटीसी यहाँ पर सेट ऑफ नहीं हो सकता इस वाली लाइबिलिटी के साथ। तो इसमें क्या थी फ्रेंड्स बात, हाँ, अब 150 रुपये की लाइबिलिटी है, हमारे पास 100 रुपये का इनपुट ये पड़ा हुआ है, 100 रुपये का ये इनपुट ये है जो कि सेट ऑफ हो सकता है, क्योंकि आईजीएसटी का इनपुट हम किसी के साथ भी किसी भी आउटपुट के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। देखो अब हमारे पास 150 रुपये की लाइबिलिटी थी ये वाली, फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी 2019 तक हमें 100 रुपये पहले ये वाले सेट ऑफ करने होते थे, फर्स्ट एडजस्टमेंट ये होती 100 रुपये ये वाला इनपुट हमने इधर सेट ऑफ करके 50 रुपये हमारी लाइबिलिटी बच गई। 50 रुपये लाइबिलिटी बचने के बाद हमने आईजीएसटी से 50 रुपये उठाए और सीजीएसटी वाली लाइबिलिटी को जीरो कर दिया हमने।
अब हमने इसके बाद देखा 100 रुपये का आईटीसी हमारे एसजीएसटी में था और 150 की हमारी लाइबिलिटी थी। 150 की लाइबिलिटी में से हमने 100 रुपये तो यहाँ से लेस हो गए क्योंकि हमारा इनपुट पड़ा हुआ था, तो हमारी एसजीएसटी की लाइबिलिटी 50 रुपये की बच गई। और यहाँ पे 50 रुपये की एसजीएसटी की लाइबिलिटी हमने माइनस कर दी आईजीएसटी से 100 रुपीज में से, जो कि 50 इधर सेट ऑफ हुए हैं और 50 इधर सेट ऑफ हुए हैं, तो ये इधर भी बैलेंस आईटीसी नील हो गया और सारी लाइबिलिटी भी हमारी नील हो गई। अब सेकंड केस हम देखते हैं, अगर हमारा आईजीएसटी पेबल था, मतलब हमने अदर देन स्टेट भी सेम स्टेट भी सेल की है, अदर स्टेट्स में भी हमने सेल किए, तो क्या होता था? अगर 100 रुपये की हमारा इनपुट इनमें सेम था और इधर 50 रुपये की लाइबिलिटी थी, तो 50 में से 100 में से 50 इधर सेट ऑफ हो गए, 50 बच जाता था इधर, और जो 50 था उसको इधर हम यूज कर लेते थे। इसमें क्या था कि 100 रुपये की लाइबिलिटी वही 150 रुपये की हमारी लाइबिलिटी है, 150 रुपये की लाइबिलिटी है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 100 रुपये ये वाला सेट ऑफ कर लिया इधर, तो हमारी 50 रुपये की लाइबिलिटी बच गई। 50 रुपये की लाइबिलिटी बचने के बाद हमने 50 जो इधर बचे थे उधर सेट ऑफ करके ये सीजीएसटी की लाइबिलिटी नील हो गई इधर। और एसजीएसटी की जब बात आई तो 150 रुपये ये थी, 150 रुपये की लाइबिलिटी हमारी थी, और 100 रुपये ये सेट ऑफ होने के बाद, यहाँ से सेट ऑफ होने के बाद 50 रुपये बच गए थे, और 50 की यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 100 रुपये का इनपुट था, 50 इधर यूज हो गया, 50 इधर यूज हो गया, तो इधर नील बच गया ना, तो अब ये 50 की लाइबिलिटी हमारी कैश में आ गई, हमें ये 50 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ये होता था जनवरी 2019 तक। अब फरवरी 2019 से जो अमेंडमेंट आ गई है सेक्शन 49 में, अब से क्या होगा ये आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको इधर समराइज में बता देता हूँ आपको। समराइज में क्या आ गया है फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीड करना है तो आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो चेंज आया फरवरी में, अब मेन चेंज ये आया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहे लाइबिलिटी किसी की भी हो, अगर हमारे पास आईजीएसटी का इनपुट बचा हुआ है तो सबसे पहले हम उसको सेट ऑफ करेंगे, जो कि पहले बाद में होता था। पहले अगर इसकी लाइबिलिटी है तो इसकी सीजीएसटी की लाइबिलिटी है तो सीजीएसटी के इनपुट से पहले सेट ऑफ होता था, उसके बाद अगर आईजीएसटी में कुछ बचा हुआ है तो और लाइबिलिटी सीजीएसटी में बची हुई है तो वो सेट ऑफ होती थी, जो कि मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। अब ये चेंज हो गया है रूल। पहले ये क्या था, पहले इधर सीजीएसटी इधर था और आईजीएसटी इधर था, सेम ये इधर था एसजीएसटी, आईजीएसटी इधर था, तो ये रूल में चेंज आया है। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है जरूर कि सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकता, इनका इनपुट किसी भी आउटपुट से सेट ऑफ नहीं हो सकता, सिर्फ ये सेम हेड में ही सेट ऑफ हो सकते हैं। सिर्फ एक आईजीएसटी एक ऐसा इनपुट है जिसको हम किसी भी आउटपुट लाइबिलिटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अगर अब हम एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड, जो कि अब करंट सिनेरियो में क्या है, रूल्स में एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल ये बना हुआ है कि अगर हमारी सेम स्टेट में सेल है और हमारे पास इनपुट क्रेडिट 100 रुपये का है और हमारी कोई आउटपुट लाइबिलिटी आईजीएसटी की नहीं है, तो ये इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर से बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर हमारी आईजीएसटी की अगर हमारी सीजीएसटी की लाइबिलिटी है तो सबसे पहले अगर हमारे पास इनपुट है तो वो सेट ऑफ करना होगा आईजीएसटी का। जैसे कि अब आईजीएसटी का इनपुट हमारे पास 100 रुपये है और लाइबिलिटी ये 150 रुपये की सीजीएसटी की, इसकी लाइबिलिटी 150 रुपये है, तो 150 में से सबसे पहले ये सेट ऑफ होगा आईजीएसटी। आईजीएसटी का इनपुट 100 रुपीज था, तो यहाँ से लेस करने के बाद यहाँ पे 50 रुपीज हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बच गई सीजीएसटी की, जो कि यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगी। 100 रुपीज हमारे पास आईटीसी के पड़े हुए हैं सीजीएसटी में, सीजीएसटी वाले में 50 हमें पे करना था, 50 सेट ऑफ करने के बाद 50 बैलेंस बच गया आईटीसी में, जो कि आगे सेट ऑफ हो जाएगा।
अब बात आई सीजीएसटी एसजीएसटी की। एसजीएसटी की हमारे पास 100 रुपये का इनपुट है और लाइबिलिटी आउटपुट कितने का 150 रुपये का। अब 150 माइनस सबसे पहले हमें आईजीएसटी को सेट ऑफ करना होता है ये वाला, लेकिन ये तो पूरा ही यहाँ सेट ऑफ हो गया तो नील बच गया इसमें, तो इसलिए नील बचा तो इधर सेट ऑफ नहीं कर सकते। सेम लाइबिलिटी हमारी 150 की बच गई और जो कि आईटीसी एसजीएसटी का 100 रुपीज था वो लेस हो गए, 50 हमारा पेबल आ गया, ये हमें पे करना पड़ेगा, ये इससे सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो सेकंड एग्जांपल में फ्रेंड्स क्या है कि इसमें हमने अदर सेम स्टेट से भी बाहर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल की है, तो इसलिए हमारी लाइबिलिटी 50 रुपये की आईजीएसटी की भी आ गई। आईजीएसटी की 50 की थी तो 100 इनपुट था हमारा, सेट ऑफ करने के बाद 50 ये हमारा आईटीसी बच गया। इसको बचने के बाद हमने ये इधर इसको यूज करके और ये 100 रुपीज बच गया 150 वाली लाइबिलिटी में, 100 में से ये 100 सेट ऑफ होके ये नील हो गया, पेबल इन बैलेंस इन आईटीसी दोनों में 0 आ गया। अब एसजीएसटी की बात करते हैं, एसजीएसटी की बात करेंगे तो सबसे पहले एडजस्टमेंट, अगर हमारी 150 की लाइबिलिटी है सबसे पहले हम आईजीएसटी को सेट ऑफ करते हैं, लेकिन 50 इधर सेट ऑफ और 50 इधर सेट ऑफ होने के बाद इधर ये नील बच गया, तो ये सिर्फ एसजीएसटी की इनपुट ही इधर सेट ऑफ हो पाएगा और यहाँ पे हमारा बैलेंस इन कैश 50 रुपये बच गया, क्योंकि 150 की लाइबिलिटी थी, 100 रुपये का इनपुट था, 50 बच गया, तो हमने वो पेमेंट कर दिया, 50 रुपये कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स आपका कीमती वक्त देने के लिए।